आज अहम टॉपिक पे प्रोग्राम करने जा रहे हैं और वो प्रोग्राम है जाली पे एक ओरिजिनल स्टैम्प पेपर होता है ये इशू कहाँ से होता है पंजाब की वेबसाइट है ऑफिशियल वहीं से डाउनलोड होता है अगर आप मैं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके जमा करवा दूँ स्कैन कर ले तो वो तो मुझे पकड़ के अंदर एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है और गवर्नमेंट इशू करती है और उसके ऊपर जो भी एग्रीमेंट होते हैं कल को वो कोर्ट ऑफ लॉ में आप जाके चैलेंज कर सकते हैं ये देखें ये क्यू कोड है ये किसी जगह पे नहीं जा रहा किसी वेबसाइट पे नहीं जा रहा नो मैच फाउंड जो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर होंगे जब उसको स्कैन किया जाएगा तो वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वेबसाइट पे इस तरह से जाके शो होगा इस कागज के टुकड़े पे आपको कोई इंसाफ कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई चीज

अहम टॉपिक पे प्रोग्राम करने जा रहे हैं और वो प्रोग्राम है जाली स्टैम्प पेपर स्टैम्प पेपर की इम्पोर्टेंस आप तमाम अहबाब जानते हैं लेकिन फिर भी मैं आपको बताने के लिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि नाजन ये वो एक कानूनी पेपर होता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ़ से इसको इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से इसको इशू किया जाता है जिसके ऊपर तमाम तर कानूनी मामलों या जो भी एग्रीमेंट हो आपका इकरारनामा हो आपका बयान हल्फी हो आपका किराया नामा हो आपका मुख्तारनामा हो आपने किसी को कोई चीज़ तोफतान देनी हो हिबा करनी हो कोई मामला तो कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट हो तो लोग इस डॉक्यूमेंट को स्टैंप पेपर को निकलवा के उस पर करना फ़र्ज समझते हैं क्योंकि ये पेपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब करती है अब मामला क्या है कि जब से ई स्टैम्प की तरफ गवर्नमेंट ने यह मामला लेके गए हैं यह बड़ी अच्छी चीज़ है कि पहले आपको स्टैम्प पेपर हासिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता था अब आप कहीं से भी ई स्टैंप जो है हासिल कर सकते हैं लेकिन मसला यह है कि हम पाकिस्तानी हैं हमने हर जो सहूलत में भी कोई ना कोई अपना जुगाड़ लगा के कोशिश करते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ कमाने का ज़रिया बना लिया जाए अब ये देखें जो सौ रुपये का स्टैम्प पेपर है एक तो ये इसकी मालियत सौ रुपये है आप मुख्तलिफ स्टैम्प फरोश के पास जाएंगे और ये सैकड़ों की तादाद में पूरे लाहौर में मौजूद हैं बल्कि पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं आप किसी भी कोर्ट में जाएंगे तो बाहर बहुत से स्टाम्फरश बैठे होंगे अब वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ऑथराइज हैं या नहीं है लेकिन वो आपको ये रद्दी का पेपर स्टैम्प पेपर कह के बेच रहे हैं अब होता क्या है कि आपको जो ई स्टैम्प पेपर दिया जा रहा है इसके ऊपर इसकी शिनाख्त के लिए एक क्यू आर कोड लिखा होता है जो कि आप सात विंडो में देख रहे होंगे इस क्यू आर कोड का मतलब और मकसद ये होता है कि अब ये ऑनलाइन छपाया छा इसकी छपाई हो रही है तो जो भी ले एक बार इसको स्कैन कर ले और ये पता कर ले कि वाक़ता इसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इशू भी किया है अगर तो इशू किया तो ये स्टैम्प पेपर है वरना एक ये रद्दी का कागज़ है अब हमने बहुत से अफराद से मिले और पूछा तो यहां पे कोई एक भी शख्स ऐसा स्टैंप पेपर नहीं बेच रहा जिसका क्यू आर कोड जो है स्कैन हो जाए और इस क्यू आर कोड के नीचे लिखा हुआ है स्कैन फॉर ऑनलाइन वेरिफिकेशन अब ये जब स्कैन नहीं हो रहा तो इसका मतलब कि इस कागज की अपनी कोई वक्त अपनी कोई हैसियत अपनी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है तो ये एक रद्दी का कागज़ है और जो ओरिजिनल स्टैंप पेपर है उसको जैसे ही आप क्यू आर कोड को स्कैन करेंगे वो फौरी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वेबसाइट पर लेके जाएगा उसके ऊपर इसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये किस वेंडर से इशू हुआ किस साहब के नाम पे इशू हुआ इसका किस आईडी कार्ड नंबर और अगर आपको जाली स्टैम पेपर दिया जा रहा तो है इंफॉर्मेशन भी है, उसका कोई कानूनी है कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, कोई पता नहीं कि उसके, आ, उसका नाम इस्तेमाल करके किसी ने कोई स्टैंप पेपर जो है किसी को फरोश कर दिया एग्रीमेंट किया जाएगा कल को उसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में के चैलेंज नहीं किया जा सकता बहुत से लोग इसको इकरारनामा नामा किराया नामा अपने घर को किसी को बेचते हुए रजिस्ट्री के मामला में इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह ना करे किसी के साथ फ्रॉड हो और उसको कल को ये स्टैम्प पेपर जाके किसी कोर्ट में जाके चैलेंज करना पड़ जाए तो उसको बजाय इंसाफ मिलने के उसको जेल भी जाना जा पड़ सकता है कि वो कहेंगे कि भाई ये तो जाली है ये तो एक आम पेपर है ये तो ओरिजिनल और पेपर है ही नहीं ये क्या मामला हैं आज के प्रोग्राम में ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे हमारे साथ एक साह मौजूद हैं ये अपनी शनाख्त आपके साथ शेयर नहीं कर सकते उसकी वजह ये है कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पे ये इसी इलाके के रहायशी हैं अगर इनकी शनाख्त जो है लोगों तक तो पहुँच गई वाजह होगी तो इनके लिए ख़तरा हो सकता है इनके साथ भी कुछ इसी तरह का फ्रॉड हुआ इन्होंने कोई गवर्नमेंट के इदारे में कोई जो है ये एफिडेविट जमा करवाना था कह रहे थे कि मैं जब ये लेने आया तो मुझे किस तरह से जाली टाम जो है वो फरोश किया जा रहा था क्या मामला है आई ये तमाम तर डिटेल इंसाफ़ से ही जानते हैं क्योंकि इनके साथ ये फ्रॉड हो चुका है और ये वाहिद नहीं है हज़ारों सैकड़ों की तादाद में जितने भी स्टाम्प बेचे जा रहे हैं वो इसी नोत के इसी तरह के जाली स्टाम्प जिसकी कोई कानूनी हैसियत कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है ये एक रद्दी का कागज़ है जिसके ऊपर सौ रुपया मालियत लिख के तीन सौ रुपये का आपको बेचा जा रहा है और कल को बजाय कि ये आपको इंसाफ की फ्राहमी में ये डॉक्यूमेंट के तौर पर कोई एविडेंस के तौर पर पेश किया जाता ये आपकी जेल जाने की राम वार कर देगा आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़

कॉन्टैक्ट काइंड ऑफ थिंग थी उसके लिए मैं यहाँ से प्रिंट करवाने आया था शाम आठ नौ बजे का टाइम था तो पहले क्योंकि मैंने एक दफ़ा स्कैन करके वो देखा हुआ था कि ये कहाँ पे जाता है तो मैं इनके पास आया मैंने प्रिंट करवाया उन्होंने सारा जो ऊपर था वो दो मिनट में प्रिंट करके ले तो मेरे लिए भी हैरान कन था कि इतनी तेज़ बाद में एकदम से मेरे जहन में आया कि स्कैन फॉर ऑनलाइन वेरीफ़िकेशन है तो मैं सारी चीज़ें वेरीफाई कर लूँ एक दफ़ा क्योंकि अच्छा होता है क्योंकि गवर्नमेंट का ऑफिस है उन्होंने सारा वेरीफ़ाई करना है जब मैंने स्कैन किया क्यू आर कोड तो ये किसी वेबसाइट पर नहीं ले, ले कर गया मेरे लिए बड़ा हैरान कन था कि एक सरकारी डॉक्यूमेंट है और उसकी सरकारी शनाख्त के लिए कोड भी गवर्नमेंट देती है वेबसाइट पर जाता है तो इसके साथ दो नंबर कैसे हो सकती है मतलब हमारे तो जेन में नहीं आता मैंने तो एहतियातन किया था स्कैन तो वो कहीं पे ले नहीं गया ये क्यू आर कोड ऑनलाइन जो है वो जनरेट हो जाता है दो नंबर सा आप कोई भी आप जनरेट करके आप ख़ुद भी लगा सकते हैं यहाँ पे तो जो पंजाब गवर्नमेंट का है वो उनका स्कैन करें तो ई एस डॉट पंजाब डॉट गोव डॉट पी के एक वेबसाइट है सरकारी वहां उस पर वहाँ पर जाता जा, हैं जा, सबसे पहले आप मुझे ये बात बताएँ कि जो एक औरिजिनल स्टैम्प पेपर होता है उसकी निशानी क्या है और जो स्टैम्प पेपर है वो इशू कैसे होता है क्योंकि हर शख्स ये इशू भी नहीं मेखा कर रही जो वेंडर होता है वो आजकल जो है वो सारा ऑनलाइन सिस्टम किया गवर्नमेंट ने वो रजिस्टर्ड होता है वहाँ पर जैसे आपने देखा है वेंडर इन्फॉर्मेशन जो असली होता है ये रजिस्टर्ड होते हैं वहाँ पर और वो सिर्फ़ अपने ऑफिशियल लॉगिन से जो है वो इशू करते हैं और वो डाउनलोड करते हैं फिर उसको प्रिंट करते हैं अच्छा जो एक ओरिजिनल स्टैम्प पेपर होता है ये इशू कहाँ से होता है ये इशू होता है वेंडर रजिस्टर होगा तो ये पंजाब की वेबसाइट है ऑफिशियल वहीं से डाउनलोड होता है वो भी उनको जो रजिस्टर्ड होते हैं वेंडर्स और हर स्टैम्प पेपर के एक वो, आ, तो वो, वो एक एक यूनिक कोड होता है एक पेपर के लिए एक नया क्यूआर जनरेट होगा वो बनता है फिर आप उसको स्कैन करेंगे वो वेबसाइट के ऊपर लेके जाएगा उधर डिटेल आएगी बाकायदा ये जो इधर प्रिंट हुई हुई हैं ये सारी डिटेल्स वेबसाइट पर होंगी इसमें अब दो फ्रॉड हैं एक ये गवर्नमेंट से सौ रुपया भी नहीं उनसे अगर फॉर एग्जांपल ये सौ रुपये का डिनोमिनेशन है ये गवर्नमेंट से भी सौ रुपये का फ्रॉड कर रहे हैं अगर ये आवाम को दो का बेच रहे हैं तो सौ रुपया अवाम के साथ भी फ्रॉड कर रहे हैं तो ये इसकी हैसियत है सिर्फ पाँच रुपये के एक प्रिंट पेपर ज़्यादा कुछ नहीं है किसी जगह पे आप किसी भी जगह पे एफाट देते हैं कहीं पे गवर्नमेंट में कोई डीड करते हैं वो दो नंबर होगी वो वेट करते हैं कोई, कोई इसके ऊपर फेक फेक हो वो फेक हो वो जाएगा आप आप आपको जेल कर सकते हैं वो कि आप खुद घर में प्रिंट करके दो नंबर ले आए हैं अच्छा मुझे ये बात बताएं कि अगर ये ओरिजिनल पेपर जैसे कि आप बता रहे हैं नहीं है इसका क्यू आर कोड जो है वो स्कैन ही नहीं हो रहा वो जो पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट है उस पर जा ही नहीं रहा इस जो ई स्टैम्प पेपर है इसकी कोई शनाख गवर्नमेंट के पास मौजूद ही नहीं है क्योंकि उसने इशू ही नहीं किया बिल्कुल नहीं एक दुकान वाले ने फोटो कॉपी करके इशू कर बिल्कुल मैंने अभी आपके सामने क्यू कोड स्कैन किया था ये किसी लिंक पे नहीं जाता वो आपको एरर दे देता दे है कि नोट फाउंड का जो ऑफिशियल होता है वो जैसे ही आप स्कैन करेंगे वो फ़ौरन गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा सारी तो डिटेल वेंडर कौन है किस तरीक को निकलवाया गया कितने पैसों की निकलवाया गया क्या इस एग्रीमेंट ये सात दिन का इसकी जो है वैलिडिटी होती है अब जब आप कहीं पे जमा करवाएंगे तो वो भी वैलिडिटी देख सकते हैं कि चार सितंबर को शुरू इशू है तो ये ग्यारह तक वैलिड है, है। तो ये आ, मतलब ये स्टैम्प पेपर इस सात दिन के अंदर यूज़ हो सकता है तो इस इसकी तो कोई शनाख्त ही कोई नहीं है ये तो एक आम, आम रद्दी, रद्दी का कागज़ है कागज़ है ये रद्दी का कागज़ ही आप और बस उन्होंने आप देख लें कि कलर भी उन्होंने स्टैम्प पेपर की तरह का पेपर पकड़ लिया ताकि आम को और यकीन हो जाए कि ये असली के करीब है लेकिन जो गवर्नमेंट का होता है वो आप चाहे सफ़ेद पेपर पे भी प्रिंट करके ले जाएं उसकी वैल्यू जो है वो सेम रहेगी क्योंकि उसकी वैल्यू उस क्यू कोड और उस वेबसाइट से कनेक्शन की है अच्छा अब बहुत से लोग नाजिन आपने देखा है कि कि वो जायदाद तक के जो मामला हैं कॉन्ट्रैक्ट हैं वो स्टैम्प पेपर पे करते हैं और कल को अगर ये स्टैंप पेपर इसलिए होता है कि कल को आपको कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़े आपको अदालतों में जाना पड़े तो आप दिखाते हैं कि सर ये देखें ये एक गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया एक स्टैम्प पेपर है जिस जिसपे फलाम बंदे ने मेरे साथ एग्रीमेंट किया है अब अगर आपने एक जाली स्टैंप पेपर पे किसी के साथ एग्रीमेंट भी कर लिया तो कल को वो कोर्ट ऑफ लॉ में जा चैलेंज ही नहीं हो सकता उल्टा वो आप पे केस कर देंगे कि भाई ये एग्जैक्टली ये अगर आप मैं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके जमा करवा दूँ और वहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल उनका कोई लीगल कोई वकील कोई भी उनका वहाँ पे बैठा अगर स्कैन कर ले तो वो तो मुझे पकड़ के अंदर कर देंगे या तो घर में दो नंबर प्रिंट करके ले आए हो अच्छा ये यहाँ पे एक हम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में सैकड़ों की तादाद में वेंडर्स मौजूद हैं जो इसी तरह के जाली स्टाम्प पेपर जो हैं वो इशू कर रहे हैं ऐसे ही बिल्कुल मैं जिस दिन आया था जब मैंने ये स्कैन किया तो वो मुझे पता लग गया कि दो नंबर है उसके बाद मैंने तीन दुकानदार लाइन में तीनों के पास गया जिन्होंने मुझे पहले डिफरेंट रेट्स दिए थे उनको मैंने पूछा आ, ये ऑनलाइन वेरीफाई है ये का स्टैंप है इसके रेट भी डिफरेंट इसके रेट भी डिफरेंट है कोई कितने का मिले दो सौ का दे रहा है ढाई सौ का ये अभी उसने खाली मुझे दिया तो इसलिए डेढ़ सौ रुपए का दिया लेकिन उसने खुद ऊपर भी लिखा हुआ कि इस पेपर की कीमत की और ये ओरिजिनल भी नहीं है और ये ऊपर चार्ज भी कर ओरिजिनल भी नहीं है बाकी दुकानदार का डिफरेंट रेट है बारगेन करना पड़ता है आपको दो सौ ढाई सौ उस दिन मुझे तीन सौ रेट मिला ढाई सौ मिला दो सौ मिला दो सौ वाले का फेक था मैं ढाई सौ वाले के पास गया मैंने उससे पूछा ऑनलाइन वेरीफाइबल है कि नहीं उसके बाद सामने दो कस्टमर बैठे थे वो मुंह से नहीं बोला हाँ इनको भी पता लग जाएगा उसने मुंह से इशारा कर दिया कि नहीं ये वेरीफाइबल नहीं है मैं तीसरे के पास गया जिससे सबसे महंगा रेट था उससे भी मैंने पूछा कि शायद महंगा दे रहा है ओरिजिनल पूछा कि कि कोड जो स्कैनेबल है ऑनलाइन ये वेरीफाई होगा नहीं उसने भी कहा कि नहीं भाई उसे पूछना नहीं था कि यार ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट तो तभी बनेगा ना कि जब ये स्कैनेबल होगा उसने फिर बस वही ना ऊपर से उसने जल्दी से ये स्टैंप वाली जगह फाड़ ली के इसको तो पता लग गया ये वेंडर नेम उसने छुपाने के लिए फाड़ लिया कागज़ ऊपर से तो बस यही आपके सामने आपने ओरिजिनल तो कैसे हासिल किया मतलब कि उन तमाम अहबाब के लिए जो बहुत सी जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं घर का वो मामला कोई किराया नामा हो सौ तरह के मामला तो, तो वो क्या किस तरह से ओरिजिनल स्टैम्प पेपर की क्या शनाख्त औरिजनल स्टैम्प पेपर मैंने फिर अगले दिन आके कोर्ट से लिया था मैं आपको क्या बताऊँ कि कोर्ट के सामने भी दो तीन वेंडर ऐसे थे जिनके पास मैंने जाके ये पूछा कि भाई ऑनलाइन वेरीफाइबल होगा उन्होंने भी साथ ही जब उन्होंने देखा कि इसने ये पूछा है उसने अपने असिस्टेंट को कह दिया कि हम अंदर से जाके ले लें अंदर मैं गया हूँ मतलब कि मुझे पता लग गया कि वो भी दो नंबर बेच रहा है तो फिर मैंने साइड पे हो के मैं खुद अंदर गया हूँ एक दो वेंडर खुद मैंने ढूंढे हैं फिर एक साहब से मैंने पूछा कि ऑनलाइन वेरीफाई होगा तो वो फ्रेंड हो गए वो नाराज़ जैसे हो गए होते हैं भाई ऑनलाइन वेरीफाई स्कैन करके देख लेना होता है कि नहीं है हमें प्रिंट पहले कर लेने थे वो फिर प्रिंट किया तो खैर वो स्कैनेबल था वो ओरिजिनल था वेरीफाइबल था

से बचाने के लिए तो वो आप आपको भी जेल हो सकती है तो जैसे ही आप मतलब ये हर बंदे के लिए इंफॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि अब गवर्नमेंट ने एक अच्छा एक दाम किया कि इसको ऑनलाइन कर दिया इस टैम कर दिया उत, उतना ही लोग फ्रॉड भी बीच में कर रहे हैं कि कंप्यूटर से एक वो आपने नक्शा बना लिया और उसके बाद फिर आपने प्रिंट करना है बिल्कुल तो ऑनलाइन जो भी लेने जाएँ स्टैम पेपर उनके लिए ये एक इन्फॉर्मेशन है कि जैसे ये इस पर लिखा भी हुआ स्कैन फॉर ऑनलाइन वेरिफिकेशन जैसे ही आप स्कैन करेंगे वो आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाएगा जो कि पंजाब गवर्नमेंट की है उसमें सारी डिटेल ये जितनी यहाँ पे आपको ये तो फेक हैं लेकिन ये इसी तरह का टेम्पलेट बना होता है और उसमें हर डिटेल आपकी ऑनलाइन होती है कि आप हाँ जिस आई डी कार्ड पर एग्जैक्टली जिस पे शो जिस पे इशू है जिसके नाम पर आई डी कार्ड पर वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अवेलेबल होगी और ये जिस टाइम पेपर है ये आई डी कार्ड पर ही निकलता है जी ये आई डी कार्ड से आई डी कार्ड नंबर लिया आपका मेरे पास आज आई डी कार्ड नहीं था तो इन्होंने मेरे से आ, लाइसेंस जो है ना उसपे इन्होंने दे दिया तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि उनसे आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आप उनको जुबानी कोई बता के आप उस पर भी निकलवा सकते हैं क्योंकि ओरिजिनल तो है तो 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 ही नहीं ना ओरिजिनल होगा तो, तो तब उन्हें भी डर नहीं है कि उनका ये ओरिजिनल पकड़ा जा सकता है कि नहीं तो वो आपको रिक्वेस्ट कुछ भी करके आप आ, मेरे ख्याल से तो प्रिंट करवा सकते हैं अच्छा, मुझे जो अभी तक समझ आई है जो आपने समझाया कि आप जब भी ई पेपर लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले से कहेंगे भाई मैं स्कैन करके चेक एग्जैक्ट एग्जैक्ट तो तो अगर तो उसके रंग उड़ गए बिल्कुल उसके रंग ऐसे जैसे अब मैंने बता रहा हूँ कि मैं जिस दिन लेने आया उसको मैंने कहा कि स्कैन नहीं हो रहा उसके रंग वाकई उड़ गए उसने यहाँ से फौरन ये नाम वाला हिसाब फाड़ा हाँ वो मुझे पूछने लगा भाई आपको अपडेटेड चाहिए अपडेटेड चाहिए मैंने कहा भाई एक ही होता है वो ऑनलाइन वेरीफाई होता है अपडेटेड या ऑफलाइन वाला कोई हिसाब नहीं होता है, एक ही होता है वो साथ ही दुकान से निकला अच्छा मैं आपको पता कर देता हूँ दो दुकानें आगे गया वो वापस आ गया जैसे उसके रंग खुद ही उड़ गए थे वो दुका, दो दुकाने से वापस आया एकदम से और कहता है भाई वो आपको सुबह कोर्ट से ही मिलेगा उसके खुद के रंग उड़ गए थे अच्छा ये इसके ऊपर हम देखने के एक आ, स्टैंप और टेस्टेड ये भी लगा हुआ है आप बता रहे हैं कि शायद जो ओरिजिनल होता है उस पर इसकी जरूरत कोई जरूरत नहीं होती ओरिजिनल का मकसद ही है कि आप उसको ऑनलाइन वेरीफाई कर, कर, कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि वो गवर्नमेंट का है तो ऑनलाइन है तो वो वेरीफाइबल है वो अच्छा नाजिन अभी हमने ये जो इन्होंने स्टैम्प पेपर इशू करवाया है या आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे हमने इसको स्कैन किया है तो ये स्कैन नहीं हुआ हम वो तमाम तरह एक्टिविटी जो है वो कैमरे के सामने भी देखते हैं ताकि और वो स्कैन करके दिखाते हैं ताकि अगर आप कभी भी जा रहे हैं तो आप इसको किस तरह स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करना बड़ा आसान है आप इसकी तस्वीर लेके बहुत से क्यू आर स्कैनर्स आपके मोबाइल में मौजूद होते हैं या क्यू स्कैनर से डायरेक्ट तस्वीर ले इसको स्कैन कर सकते हैं और अगर ये औरिजिनल होगा तो ये फ़ोरन स्कैन करके आपको गवर्नमेंट ऑफ़ पंजाब की वेबसाइट जिसका नाम वेबसाइट कौन सी ई एस डॉट पंजाब डॉट गोव डॉट पी के एक वेबसाइट है की वेबसाइट पर जाएगा वहाँ पर ये तमाम तर के ये किस वेंडर को ने सेल किया है किस साहब के नाम पे सेल किया है ये किस आईडी कार्ड पे इशू हुआ है ये गवर्नमेंट के हाँ जिस इसका जो इसका आईडी नंबर है जो इसकी रजिस्ट्रेशन है वो तमाम रिकॉर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे और स्टैम्प पेपर का तो मकसद ही ये होता है कि ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होता है और गवर्नमेंट इशू करती है और उसके ऊपर जो भी अग्रीमेंट होते हैं कल को वो कॉर्ट ऑफ लॉ में आप जाके चैलेंज कर सकते हैं कि सर ये देखें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से जो मुझे स्टैम्प पेपर इशू किया गया उसके ऊपर इस शख्स ने दस्तखत किए तमाम तर चीज़ें पढ़ने के और अब ये मेरे साथ धोखाधही कर रहा है लेकिन अगर इस तरह का जाली जो स्टैंप पेपर है जिसकी कोई अपनी शनाख्त नहीं है जिसकी कोई अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पता ही नहीं है कि ये उनकी तरफ से इस पेपर किसी साहब ने इशू कर दिया है उस पर अगर कोई एग्रीमेंट होगा भी एक तो कल को आप जाके कोई चैलेंज नहीं कर सकते दूसरा आपके ऊपर वो फ्रॉड का पर्चा ये करवा सकता है कि सर क्यू आर कोड स्कैन करें वो क्यू कोड स्कैन करेंगे तो वो बताएगा कि ये ओरिजिनल नहीं है तो जो आप जिस बंदे को फंसाने जा रहे थे वो आपको फंसा देगा कि सर ये घर में बैठ के इस तरह के जाली स्टैम्प पेपर जो हैं वो बना रहा है। ये देखें ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कीजिएगा। ये देखें ये ऊपर दे देगा नोट फाउंड। ये किसी जगह पे नहीं जा रहा, किसी वेबसाइट पे नहीं जा रहा। ये कहीं पे नहीं लेके जा रहा। ये देखें आप कोसने दे देखें नो मैच फाउंड। जब आप ऑफिशियल स्कैन करेंगे तो ये बकायदा वेबसाइट पर जाएगा अब देखिए नाजीन जो औरिजनल क्यूआर कोड होंगे और जो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर होंगे जब उसको स्कैन किया जाएगा तो वो गवर्नमेंट ऑफ़ पंजाब की वेबसाइट पर इस तरह से जाकर शो होगा जिसके ऊपर वेंडर का नाम जिसके ऊपर आई कार्ड नंबर जिसके ऊपर जिस शख्स के नाम पर ये इशू किया गया इसके इशू की डेट इसका आई नंबर तमाम तरह मौजूद होगा और ये फ़ौरी तौर पर स्कैन हो जाएगा और अगर आपका क्यू कोड ठीक नहीं है तो फिर आप इसको हज़ार बार स्कैन करें बल्कि ये आपके लिए जो है जेल जाने का बायस बन सकती है इस कागज के टुकड़े पे आपको कोई इंसाफ कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई चीज कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर चैलेंज आप नहीं कर सकते अच्छा नाजिन इस स्टैम्प पेपर का नॉर्मली इस्तेमाल होता है जब आप किसी घर की रजिस्ट्री का मामला हो इकरार नामा हो मुख्तार नामा हो हिबा नामा हो आपने किसी को कोई ज्यादा तोहफातान देनी हो कोई आपने किसी दो फ्रीकान के दरमियान कोई इकरार नामा करना हो आपने किसी का घर रेंट पर लेना हो तो आपने कोई किराया नामा लिखना हो आजकल तो किराया नामा की इंपॉर्टेंस आप तमाम अहबाब को पता होगा बल्कि उन तमाम अहबाब जो लोगों के घर किराए पर रहते हैं अल्लाह उनको अपनी छत नसीब फरमाए लेकिन अगर आपके पास किराया नामा

उम्र लगा के प्रॉपर्टी बनाई होती है और फिर एक इस तरह का जाली स्टाम फ्रोश आपकी ज़िंदगी अजीरन कर सकता है और बजाय कि आप इस एग्रीमेंट को जाके कहीं पे चैलेंज कर सकें ये आपके लिए दर्द सर बन जाएगा तो बहरहाल ये मामला इसलिए हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं ये प्रोग्राम उन तमाम अहबाब के लिए जो कभी भी जाके किसी भी मकसद के लिए स्टैंप पेपर लेने जाएँ इकरार नामा हो बयान हल्फी हो स्टाम्प पेपर हो कोई रजिस्ट्री हो कुछ किसी हवाले से आपने कुछ भी स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले इस क्यू आर कोड को एक बार स्कैन कर लें और इसका इस्तेमाल ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा तबका ही करता बहुत से ऐसे हबाब जो बहुत ज़्यादा तलीम याफ्ता नहीं है कोई प्रॉपर्टी के मामला आते हैं कोई खेतों के मामला आते हैं उधर भी बहुत ज़्यादा स्टैम्प पेपर इस्तेमाल होते हैं अब वो जो हमारे भाई हैं उनको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का भी पता नहीं होता लेकिन खुदा का है अपने किसी भाई बेटे किसी रिश्तेदार को साथ लेके आए इस क्यू आर कोड को एक बार स्कैन कर लें कि क्या गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ़ पंजाब की वेबसाइट पे इसकी किसी किस्म की कोई शनाख्त मौजूद है क्या कल को कोर्ट ऑफ़ लॉ में जा इसको चैलेंज किया जा सकता है कहीं कल को ये पेपर जिसको आपने अपनी सिक्योरिटी के लिए अपनी सेफ्टी के लिए अपने कारोबार को बचाने के लिए अपने घर को बचाने के लिए किसी के साथ इस पर एग्रीमेंट किया क्या कल को ये आपके लिए जेल जाने का बायस तो नहीं बन जाएगा तो हमारे साथ भाई मौजूद थे और वो अपनी तमाम तर उदात बता रहे थे और वो सिर्फ़ अपनी शनाख्त इसलिए आवाम के सामने नहीं रखना चाह रहे थे कि उन्होंने कहा कि यार ये पूरा एक माफिया होता है और अगर इनको पता लग गया कि मैं ये तमाम तर जो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो मेरे लिए ये दर्द सर भी बन सकता है तो हमने कहा कि हम अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी शक्ल दिखाना मकसूद हो तो दीगर भी लोगों से भी बात करते हैं और कोशिश करते हैं इनसे भी जा पूछें कि भाई ये मामला क्या है ये क्या इसकी क्या कानूनी हैसियत क्या है इस कागज़ की अगर इसके बाद आप मेरे से डेढ़ दो सौ ले रहे हैं इस तरह का तो एक या दो रुपये में कागज़ मिल जाएगा आप इसका मेरे से डेढ़ दो सौ ढाई सौ तीन सौ ले रहे हैं इसकी कानूनी हैसियत क्या है एक तो इसके ऊपर लिखा कि इसकी सौ रुपया फीस है ना गवर्नमेंट को वो सौ रुपया फीस गई क्योंकि गवर्नमेंट में ये रजिस्टर्ड नहीं है और दूसरा आपने ये सौ रुपये का जो टैम पेपर है तीन सौ का बेच रहे हैं दो सौ आप ऊपर भी चार्ज कर रहे हैं अगर तो ओरिजिनल है तो फिर तो मुझे वो सौ दो सौ देते हुए मसला नहीं हो रहा कि चलो यार ये बैठा हुआ यहाँ पे काम कर रहा है मज़दूरी कमा रहा है लेकिन ये ओरिजिनल ही नहीं है आप अपने 100 डेढ़ सौ दो के लिए किसी बंदे का इतना बड़ा नुकसान कर देंगे कि कल को उसको पाँच साल बाद दस साल बाद बीस साल बाद इसको कहीं कोर्ट ऑफ़ लॉ में पेश करना पड़े तो उसको पता लगे कि आपने दो सौ कमाने के लिए उसको एक रद्दी का पेपर दे दिया था एक कानूनी कागज़ देने के इवज़ क्या आपको डेढ़ दो सौ रुपया चाहिए था बहरहाल ये मामलाते हैं दीगर आपसे भी बातचीत करते हैं ज नाजिन इस वक्त कचहरी के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पे बहुत से स्टाम्प फ्रोश यहाँ पे बैठे हुए हैं इनसे जानते हैं कि ई स्टाम पेपर किस तरह से जो है ये उसका इजरा करते हैं उसके असल और नकल की असलियत और उसकी जो जाली होने की जो हकीकत है उसका कैसे पता लगता है असल स्टाम्प की जो निशानियाँ क्या होती हैं और अगर कोई आपको चूना लगा रहा है जाली ई e स्टैम्प जो है वो आपको दे रहा है तो उसकी निशानियाँ कैसे पता लगेंगी इनसे जानते हैं आप असला जी वाले आप हैं से? जी सर अपना जाती है आ, अच्छा हम प्रोग्राम कर रहे हैं जो ये स्टैम्प पेपर है और इसमें बहुत से लोग जो है जाली स्टैम्प पेपर भी लोगों को थमा देते हैं पता कैसे लगेगा कि ये असल है इसकी कोई पीछे कानूनी हैसियत है इसकी कोई रजिस्ट्रेशन है इसका जो बार कोड है वाक़ता इसको उस वेबसाइट पे लेके जाएगा ये वाक़ता इसका इजरा जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वेबसाइट से हुआ है कैसे पता लगेगा सर जी इसमें जो बार होता है ना जो दो नंबर ही करते हैं वो रेडी कर लेते हैं है। इसका बेहतरीन हालात गवर्नमेंट ने इसकी वेबसाइट दी हुई है आप उस पर जाके इसका एल नंबर डाल लें वहाँ पे आपका रिकार्ड आ जाएगा ये आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं मैंने इसी प्रोग्राम में एक शख्स जो साहब थे जो इफेक्टिव थे जिनके साथ ये मामला हुआ उन्होंने लिया ऊपर बार कोड है बार कोड स्कैन करते हैं वो तमाम तक तफसल भी आई थी लेकिन वो वेबसाइट पर नहीं जा रहा नहीं जा रहा वो दो जो दो दो असल वो दो, दो नंबर है।, है तो ये जो दो नंबर अगर स्टाम है इस पर कोई भी भीड़नामा हुआ है या इस पे कोई भी कानूनी मामला तो है कल को तो ये आप कहीं चैलेंज ही नहीं कर सकते सर नंबर लेने में लगी गलती है उसको बंदे की पहचान होनी चाहिए कि असल है की नकल है पहली बात ये है भी होना चाहिए आप मेरे पास आए हैं ना आप पेपर स्टैम्पेस करने के लिए आपको इलम हो आपको बताओ कि मैं हूँ मेरे पास रजिस्टर भी है बाकायदा मैंने आपको स्टैम पेपर दिया है इसके अंदर मैंने आपका थम लगवाया ठीक है आप मेरे पास आए हैं मैंने थम लगवा दी आप चले गए हैं आपका काम बनता का आप अपनी तसली करें आप उस स्टैंप पेपर को आप चेक करें आप और इधर तो स्कैन कर लें स्कैन कर लें आप इस स्टैम्प का तो सबसे बेहतर गवर्नमेंट ने इसके ऊपर दिया हुआ है देखिए हमने स्टैम पेपर इशू किया है ठीक है इस पे ये मैसेज लिखा हुआ है आप इस पर कर ले आप अगर आपके पास बार कोड नहीं है ये बार कोड रेडी हो जाएगा जिसने दो नंबर ही कर है ना उसने अपने ओजार पूरे रखे हुए उसने जो बार कोड डाला हुआ है वो उसी तरह का बार कोड है जो किसी भी मॉल में पड़ी हुई किसी प्रोडक्ट का होता है कि आप बार कोड स्कैन करेंगे उसकी डिटेल आ जाएगी लेकिन आपको वेबसाइट पर नहीं वेबसाइट पर हम इनको स्कैन करते हैं और आपको दिखाते हैं ये देखें नाजिन हमने जैसे ही इसको स्कैन किया तो उसने ऊपर ई एस पंजाब डॉट डॉट पी के पे उसने उसका लिंक को बना दिया और मैं जैसे ही इसको क्लिक करूँगा तो ये देखें वो तमाम तरह तफसी वेबसाइट पर आएंगी अब जो कल वाला फॉर्म था उसको जैसे ही मैं बार कोड स्कैन करता था वो इस डिटेल पर नहीं जाता था वो उसकी उसी तरह की डिटेल आती थी जिस तरह आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर हर चीज़ जो पड़ी है उसके ऊपर बार है आप उसको स्कैन करते हैं तो उसकी डिटेल आ जाती है कि ये फला चीज़ है फला कंपनी है इसकी प्राइज़ ही है वो जिस भी बार को आप स्कैन करेंगे वो सिर्फ अगर वो डिटेल दे रहा है तो वो जाली है अगर तो बार कोड को स्कैन करके आपका ये निकलता है मैं दोबारा चाहूँगा कि आप मोबाइल पे आ जाएं आप सिर्फ मोबाइल पे आ जाएं हम दोबारा इसको स्कैन करेंगे ये देखिए ये ये दे। देखिए हमने जैसे ही इसको स्कैन किया तो बजाय कि वो तफसलत आती जो कल आई कि उस पर नाम लिखा हुआ था वेंडर का नाम था वो नहीं आया ये लिंक आ गया ई एफ पंजाब का जो कि इसकी औरिजिनल होने की निशानी है और ये देखें ये वो औरजिनल वेबसाइट है स्टम्पिंग प्रोजेक्ट ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये वो ओरिजिनल वेबसाइट है जहाँ पे ये तमाम तरह इसकी तफसीत आ गई अगर आपका स्टैम्प पेपर जो है स्कैन करने के बाद यहाँ पे नहीं पहुँच रहा तो इसका मतलब है वो स्टैम्प पेपर जाली हम एक बार फिर से इसको करते हैं ये देखें ये देखें एक बार फिर से कि ये देखें ये वेबसाइट है ये वेबसाइट ओपन करेंगे तो ये आपका वो आ गया ये चार नंबर लिखे आप ठीक है ये इसका नंबर भी रिकॉर्ड आए निकल आएगा।, आएगा।, आएगा ये आप घर बैठ के चेक कर सकते हैं दूसरे यहाँ पे अपनी क्यू कोड लगा के बेची जा रहे हैं उसकी क्या कानूनी है सर जी वो तो उसकी कानूनी कोई भी नहीं है वो फेक है जाली जाली जाली, जाली जा रहे हैं तो कल को आप उस पे कोई, कोई कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करने जाएंगे तो वो आपको पकड़ लेंगे कि आपके जाली बात है उस बंदे की गलती जिसने परचेस की है आप माशाला जो बेचता है बेचे हमें कोई इतराज नहीं है हमने आपको जनमन देना यहाँ पे बेचा जा रहा है सर जी मैं कहता हूँ की यहाँ पे जो जन्मन स्टैम्प ना वो इसीलिए कमजोर हुए पड़े जाली वालों का काम चलिए उनका काम चल रहा है हम यहाँ पे ये पेपर है हमें देती है सो का हमें का नहीं पड़ता हम यहाँ पे वन फिफ्टी का सेल कर रहे हैं पचास है, भी नहीं है हमें है। ये असी पेपर है, दस रुपए का, तो का पेपर है आप बीस रूपए का प्रिंट लगा उसके बाद ये डिवाइस है इसका बिल है जो जाली पेपर बेच रहा है उसकी तो दस रुपए का पेपर ही बेच रहा है वो अपना पेपर डेढ़ दो सौ ऐसे है उसकी तो सेल डबल है नुकसान तो हमें है गवर्नमेंट का भी नुकसान कर रहा है कि सौ रुपया उसको भी नहीं जा रही गवर्नमेंट की गलती है हमारी गवर्नमेंट का काम है इस चीज को रोके हम नहीं रोक सकते ना मैं रोक सकता हूँ ना आप रोक सकते हैं हम मैं देखे निशानदेही कर सकता हूँ हमने वो दिखाया है कल हमने... मैंने बताया ना आपको ये चार नंबर है अभी आप लिख रहे हो मैंने आपको पेपर दिया है ये बिल्कुल कह रहे हैं कल वाला हमने स्टैम्प पेपर लिया उसके ऊपर भी बार कोड लगा हुआ है उसके बार कोड को स्कैन करते हैं तो एक सरसरी सी डिटेल आ जाती है वो किसी वेबसाइट पे नहीं जा रहा वो इस बार कोड के एवं एक डिटेल जनरेट की भी है कि आप जब भी उस बार कोड को स्कैन करेंगे तो उस डिटेल पे चल जाएगा आपको लगेगा शायद ये स्कैन हो गया नहीं वो उसी तरह से स्कैन हो रहा है कि जिस तरह किसी आप शॉपिंग मॉल पे जाते हैं तो हर प्रोडक्ट के ऊपर एक बार होता है आप स्कैन करते हैं तो उस प्रोडक्ट की डिटेल आई थी कि इसकी प्राइस ये है और इसका नाम ये है लेकिन ओरिजिनल की निशानी ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से स्टैम्प पेपर इशू होगा जिसका गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को सौ पाँच या तीन हजार जमा हुआ होगा जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो वो पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएगा ये मैसेज और साथ नंबर दिया हुआ है मैसेज के लिए कि अगर आप ये नंबर जो इसका आईडी नंबर है वार्कोड हमारा नहीं होता प्रिंटर की वजह से आप इस पर मैसेज करके आप चेक कर सकते हैं आप मुझे लोगों ने बताया कि अगर आपको पुरानी डेट का पिछले साल का पेपर भी चाहिए वो भी मिल जाते फेक है मिल जाते हैं ना नहीं फेक है क्योंकि ये ऑनलाइन में बैक डेट है ही नहीं जो दूसरे थे पहले येलो वाले वो मिल जाते हैं आवाम बेच रही है और पुरानी डेट के भी मिल जाते मिल जाते हैं आवाम बेच रही है तो वो फ्रॉड नहीं है गलत काम है वो तो यही है ना कि किसी का आपने पास में जाके कोई आगे भी बताया नुकसान तो हमें है जो जिनके पास लाइसेंस होल्डर है उनको नुकसान तो उनके है लेकिन यार ये आते हैं एक सौ पचास रुपए का वो कहते नहीं आप पचास रुपया किस चीज़ का ले रहे हैं आप उस पे पेपर लग रहा है उस पर बिजली लग रही है आम को ये नहीं ना वो कहते हमें बचत आए पास हालांकि जो ये उनको नुकसान पड़ता है बाद में के पेपर दो नंबर निकल रहा है हालांकि आपको पता है कि जो जाली बेच रहा है वो दो सौ ढाई सौ ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे बकायदा तौर पे जब आप ओरिजिनल पेपर इशू करवाएंगे तो उसका तरीका ऊपर मेरा नाम आ रहा है ठीक है ये आपकी वो ई मेल है ई मेल है, है आपका इसको मैं लॉग इन करना अब साइट चल गई ठीक है ठीक है इसमें मेरा स्टॉक आएगा ठीक है ये मेरा स्टॉक आ रहा है सो वाले में इतने पड़े हुए हैं दो सौ पड़े हुए तीन सौ पड़े हुए ये जब मैं सो वाला इशू करूंगा यहाँ वाला इशू करूंगा ये कम हो जाएगा तीन सौ वाला इशू करूंगा ये कम हो जाएगा इशू मैंने यहाँ पे जाके कर रहे ये चीज इशू करते हुए सर जी उसका नाम अगर बंदा खुद है तो खुद आएगा अगर उसकी जगह आप आए हुए हैं अगर आपने अपने वाला साहब का स्टैम्प पेपर परचेज करना है यहाँ पे एजेंट आपका नाम आएगा यहाँ पे आपका आईडी कार्ड नंबर यहाँ आपका मोबाइल नंबर यहाँ आपके फादर का नम, नाम और उनका आईडी कार्ड नंबर फिर उसके बाद ये सारा फिलअप होगा उसके बाद ये नेक्स्ट आगे फाइनल हो जाएगा और ये कल को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज हो सकेगा कि इसने एक लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर ये एग्रीमेंट जो मैंने अभी इशू किया हुआ ना ये लास्ट पेपर है ये देखें ये लास्ट पेपर आपके हाथ में ही है ये हमने एक कंपनी का नाम का इशू किया हुआ ये देखें तो ये नंबर मैंने डाल दिया ये गवर्नमेंट की साइड है ये, ये हमारी साइड नहीं है आ ये उसी की वेब ठीक इसके बाद हमने इसका प्रिंट दे देना प्रिंट निकाल के उसके बाद इसकी एंट्री है जिसने परचेज किया उसका साइन गुट है उसके बाद अल्लाह हाफिज अच्छा मुझे बताएं कि जो लोग ये जाली दिए जा रहे हैं लोगों को उनके लिए तो कल को मसाइल है उनके खिलाफ बात नहीं कर सकता ना मैं करूंगा अब जो बड़ा देखें जो बंदे कर रहे हैं ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकते हैं सकता हमारा ये तो फर्ज है ना कि हम सच बात कहें हक के खिलाफ आप कार्रवाई करें आप आपने जिससे स्टैम पे परचेज पर किया हो ना आप कार्रवाई करें आप पेपर दिखाएं कहाँ पे है जो जाली टैम पेपर है इसका नुकसान क्या क्या क्योंकि आप नुकसान ये आप देखें ना आपने किसी बंदे से बीस लाख रुपये लेना है आपने इस टैंप परचेज़ किया वो उस पेपर का रिकॉर्ड ही नहीं है आपके पैसे के तो चैलेंज नहीं हो सकता। आप फंस जाएंगे वो बंदा आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा जाली पेपर, पेपर तैयार किया लेने देना है ही नहीं। फिर आप, क्या करेंगे? आप, आप देखेंगे बंदा वेंडर है कि नहीं है क्या आप हमारे पास आए आप हमसे लाइसेंस चेक करें हम आपको लाइसेंस चेक करवाने के मजाज नहीं।, नहीं है पूछ रहा हूँ लाइसेंस होना चाहिए चाहिए ही आपके पास लेकिन हमारे पास हमारा जनमल है ना आपने तो तमाम चीज़ें बता दी अच्छा मुझे बताएं कि और क्या क्या करते हैं जो लोग जाली मतलब ईमान ही बेच रहे ना अपना देखिए जो भी जो करता है हमें उससे को लेकर देना नहीं थोड़ा सा बता दें लोग उससे कल को बच सकें उनके भाई देखिए लोग जो कल को इफेक्टिव जिसके पास चीज लेने के लिए गया ना उसका फेस देखे उसको बचाने या वेंडर है कि नहीं है अगर वेंडर है तो उससे चीज़ परचेज़ करे नहीं है तो उसके उठ के चला जाए वापस आ रहा हूँ कि कल को बहुत से लोग या आपको पता है कि स्टैम्प पेपर की तो हर बंदे को ज़रूरत पड़ती है वो गाँव का देहात का है शहर का है पढ़ा लिखा है अनपढ़ है अब बता रहा हूँ कि ये अवेयरनेस के लिए कि कल को कोई जाए ये किस किस तरह से क्या क्या चीज़ जो है फ्रॉड वो साइड बताइए सामने ये साइड के ऊपर कोई भी काम करेगा पेपर जर्नमे इस साइड के अलावा दो नंबर है अच्छा ये जो एक सौ रुपये का स्टैम्पर पे, है इस पर गवर्नमेंट को कितना सौ की मालियत का सौ गवर्नमेंट जाएगा सर जी इसमें से हम हमें जो कमीशन होती है वो हमारी तीन परसेंट है एक लाख के पीछे अच्छा। तो आप लाख रुपये के पेपर बेचेंगे तो तीन हज़ार तीन हजार रुपये बचेगा और तीन हजार भी हमें नहीं बचता उसमें से सबसे पहले हमने इसका चलान तैयार करना है और चलान के ऊपर कम से कम ना कोई सौ रुपये खर्चा है उसके बाद चलान हमने जाके खुद बैंक जमा करवा के आना लंबी लाइन में लग ला के ठीक है वो चलान हमारा तीन बजे के बाद जनरेट होना है उसके बाद हमने अपना स्टॉक चेक करना है कि हमारा चलान जमा हुआ कि नहीं हुआ उसके बाद हमने अपना काम शुरू करना है हमें जो दाखला इस टाइम है वो है पचास हजार रुपये का पचास हजार से ऊपर हम दाखला नहीं डाल सकते पचास हजार रुपये का अगर हम पेपर बेचेंगे हमें पंद्रह सौ रुपये बचता है हमारी कमीशन बहुत कम है कम से कम हमें इसमें कमीशन होनी चाहिए बीस परसेंट ये ई स्टैप पेपर जो है लोगों ने कहा कि ये आवाम के लिए बड़ी सहूलत है जी देखिए अवाम के लिए सहूलत है लेकिन हमारी आवाम की गलती है मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने स्टैम्प पेपर किसी से परचेज़ कर रहे हैं वो देखें वो बंदा स्टाम्प स्टाम है कि नहीं है और कम तो अज़ कम स्कैन करके देखेंगे वो वेबसाइट स्कैन को गोली मारे मेरे भाई स्कैनिंग बार कोड आप तैयार कर लेंगे आप नहीं वो जो बार कोड तैयार करेंगे वो वेबसाइट पे तो पर बेहतर हाल यही है कि आप जिससे परचेज कर रहे हैं ना उसके बाद चेक करें आप वो दुकानदार आपके लाइसेंस नहीं चेक करें, नहीं, नहीं मेरे भाई जो साइड गवर्नमेंट ने दी हुई ना उसके ऊपर वो टाइप क्या कर रहा है आपके में होना चाहिए अच्छा बुरा कि आप स्टैम्प पेपर परचेज कर रहे हैं कि आलू ले रहे हैं आप गलती तो आप की है यहाँ वाकई पे वाकई लोग पेपर की जगह आलू ले ऐसे ही है आलू लेके जा रहे हैं लेके जाएगा वो लड़ाइयों में काम आएंगे वो आलू का आपके काम आएगा वो आलू आपको ही पढ़ना है क्योंकि एक जाली पेपर जो है वो दुश्मनियों में कन्वर्ट हो जाता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया फिर वो मुकर गया आप उसको चैलेंज करने के, के उन्होंने कहा ये तो जाली है और फिर वहाँ से मामला शुरू हुआ और फिर पता नहीं कहा हमारे पास कोई बंदा है ना अगर वो कहते कि आई कार्ड नहीं है हम उसको स्टैम्प पेपर नहीं देते आई कार्ड के बगैर स्टैम्पर आई डी कार्ड के बगैर नहीं आई कार्ड उसके हाथ में होना चाहिए मोबाइल में भी कोई कम्प्रोमाइज नहीं है हमने आई डी कार्ड देख के पेपर इश्यू करना है उसके अलावा नहीं आप यहाँ पे क्या क्या किस किस तरह के यहाँ पे मेरा काम है एक मैं स्टैम्प वेंडर हूँ और मेरा एक काम है निकाह का कौन से ये जो कोर्ट मैरिज वगैरह कोर्ट मैरिज हमारे पास कम होते हैं हमारे पास अरेंज मैरिज ज्यादा होते हैं मैरिज 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 नॉर्मली तो अरेंज तो मैरिज का निकाह लोग मस्जिद में जाते हैं या वहाँ यहाँ पे कोर्ट पे कौन अरेंज तो कोई भी नहीं निकाह लिए जाता अगर मस्जिद में भी कोई जाए तो वो हमें ही कॉल करते हैं हमारा ना काफी पुराना ये काम आज का नहीं है वो रजिस्टर्ड करते होंगे ना उसको निकाह रजिस्ट्रार बिल्कुल ऐसे ही आप निकाह रजिस्ट्रार का काम करते हैं कोर्ट मैरिज भी आते हैं बहुत ज्यादा आती हैं आप फिर आप क्या करते हैं सर उसमें जिसके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हम उसका काम कर देते हैं अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं हो उसके लिए बच्चे बच्ची का आई कार्ड लाजमी है आई कार्ड नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो कम से कम मैट्रिक का स्कूल सर्टिफिकेट दोनों का उसके बाद दो गवाह लड़की की तरफ से और दो गवाह लड़का की तरफ से जिनके आईडी कार्ड मौजूद हों उनका हम निकाल अंदराज करवा देते हैं बाय द वे नहीं कोई उनके वालदे या कोई सरप्रेस का होना जरूरी जरूरी नहीं है उनका बाल है आईडी कार्ड दोनों के पास है दो दो गुवाह हैं तो आप निकाह पढ़ाते निकाह पढ़ाते कोर्ट मैरिज जो होती है वो यहीं पर आकर रजिस्टर्ड होती है कोर्ट मैरिज यूनियन काउंसिल में ही होता है निका यहाँ पर सिर्फ निकाह पढ़ाया जाता है पढ़ा पढ़ा देते देते हैं हैं हम बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल चीज़ तो नहीं है लेकिन हर शख्स के हालात तो वाक़ मुख्तलिफ होते हैं कुछ लोग वाक़ा इतने मजबूर होते हैं कि उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचता और कुछ लोग वालदे के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ते और इस तरह की कोई संगीन कदम उठा लेते हैं बहरहाल इस पर जो वकला हैं जो कानूनी माहरीन हैं उनसे भी जाके जानते हैं कि जो एक जाली स्टैम्प पेपर होता है वो कितना नुकसान कर सकता है इसकी रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है लोग कैसे एक रद्दी का पेपर जिसके ऊपर उसका खुद साख्ता बार कोड है कैसे डेढ़ दो सौ रुपये का आवाम को दे सकता है लोगों के लिए नुकसान का बायस बन सकता है कैसे वो खुलेआम अदालतों के बाहर बैठ के फ्रॉड कर रहा है और ये साहब बता रहे हैं कि जो लोग वाक़ता वेंडर हैं जिन लोगों के लाइसेंस हैं वो लोग ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उन्होंने इस कागज़ की कीमत गवर्नमेंट को पे करनी है उन्होंने वो स्टॉक जो है पहले ख़रीदना है फिर आके आवाम को आगे देना है और जो एक जाली है उसको सिर्फ़ एक रद्दी का कागज़ चाहिए और एक कंप्यूटर चाहिए उस पर कुछ भी लिख के अवामनास को जिस तरह मर्ज़ी देता रहे उसकी तरफ से कल को लोग लड़ें मरें कोर्ट में जाएँ जो मर्जी करें उसको वो आपका पचास साठ सौ रुपया उस वक्त के लिए चाहिए बहरहाल अल्लाह ताली हदायत दें इन तमाम लोगों को ये सर मैं आपको दिखाता ये हम जो अपना रजिस्टर रिन्यू करवाते हैं ठीक है ये हमने जमा करवाया अपना लाइसेंस हर हमारा जून को जमा हो जाता है उसके बाद ये हमें नया इशू करते हैं बाकायदा ये उनकी हमने रसीद संभाल कर रखी होती है ये मैं आपको अपना लसेंस दिखा रहा हूँ चलिए ये तो जैन इन लोगों इन्होंने जो मुझे वेबसाइट बताई है ये तमाम तमामकार मुझे पहले पता था और वाक़ा इसी तरह से। ये मेरा स्टैंप रोशी का लाइसेंस है अगर मैं आपको तो आसान तरीका बता दूं कि अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो शख्स आपको स्टैम्प पेपर दे रहा है वो वाकता सही दे रहा है या गलत दे रहा है आपने सिर्फ उसको एक बार या तो ये पूछ लें कि भाई आपके पास लाइसेंस मौजूद है अगर तो वो गुस्सा कर रहा है तो समझिए कि मामला खराब है दाल में कुछ काला है या आप उससे स्टैम्प पेपर लेते हुए सिर्फ इतना पूछ लेंगे क्या ये बार कोड जो स्कैन करूंगा ये पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाएगा अगर तो वो डर जाए गुस्से में आ जाए घबरा जाए तो वो जाली स्टांफ रोश है और अगर वो कहे कि भाई ये देखें वेबसाइट है तो सामने वेबसाइट तो कडांगा उसका कॉन्फिडेंस बताएगा कि उसका स्टाम्प पेपर वाकया था औरिजिनल है अब मैं एक और चीज़ यहाँ पर बताताऊँ जब मैं यहाँ पर आया तो बहुत से अफराद कैमरा देख के कोई इधर को निकल गया कोई इधर को निकल गया और ये साहब इस सीट पर नहीं थे ये उधर से आए उन्होंने कहा आज 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 आपको बताते हैं कि मामला क्या है असल स्टाम्प पेपर क्या होता है नकल क्या होता है उसकी निशानी क्या है चेक कैसे होगा तो ये तमाम तर जो कॉन्फिडेंस होता है ये आपको बतायाता है कि कौन असल है कौन नकल है आपके पूछ से ही अगर अगला बंदा तेवरिया चढ़ा ले गुस्सा करे तो समझ लें कि ये मामला खराब है इनसे आप आएंगे पूछेंगे भाई जाना आपके पास लाइसेंस है ना कहेंगे भाई जाना पेखो वेब है वेबसाइट वो कह रहे हैं छोड़ दे सारा कुछ वेबसाइट पे मैं खुद सामने जब लिखूंगा आपको पता लग जाएगा कि ओरिजिनल कर रहा हूँ या फेक कर रहा हूँ और अगर कोई आप पूछें कि भाई जाना की काट रहे हो वो आप कहे तू अंदर आके जा तुनू मिल जाता है तो समझ लें कि वो जाली आपको स्टांप भेजने लगा नाजिन जाली स्टाम्प पेपर के हवाले से इस वक्त हम मौजूद हैं एडवोकेट नदीम साहब के पास और इनसे जानते हैं कि ये जो स्टाम्प पेपर के नाम पे या ई स्टैम्प के नाम पे मुझे एक रद्दी का कागज़ दिया जा रहा है इसकी कानूनी हैसियत क्या है वालेकुम भजन कैसे हैं आपको सर ये पहले तो बताएं कि ये जगह जगह पे ये जाली स्टाम्प रोज बैठे हुए हैं और जो ऊपर क्यू आर कोड है वो ना तो स्कैन होता है और अगर स्कैन होता भी है तो उसका अपना उसी का रिकॉर्ड आ रहा है जो उसने खुद साख्ता बनाया हुआ है जो इसकी पंजाब हुकूमत की वेबसाइट है इस टाइम की उस पर नहीं जा रहा है। ये क्या मामला हैं ये किस तरह से बेच रहे हैं कल को अगर इसको कहीं पर चैलेंज करना पड़ जाए इस रद्दी के कागज़ को क्या ये चैलेंज होगा कहीं पर सबसे पहले अली भाई बहुत शुक्रिया थैंक यू मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाऊँगा कि ये है क्या चीज़ और कहाँ से इसकी अथोराइजेशन होती है इसमें भाई जान मामला यह है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सुपरविज़न में डीसी ऑफिस जो है उसको पास जो है डेलीगेट की जाती हैं और जितने भी ये जो स्टाम वेंडर बैठे हुए हैं वो

जो मेन चीज़ है ना वो अथोराइजेशन है।, है वो लाइसेंस है आपका कि वो उसने बाकायदा थ्रू प्रोसेस प्रोसेस ऑफ लॉ जो है हासिल किया या नहीं किया है। तो अगर तो उसके पास लाइसेंस मौजूद है तो वो फिर ये जारी कर सकता है और इससे आगे जो इम्पोर्टेंट दो तीन चीज़ें वो मैं बता दो इसके अगर आप स्टाम्प देखेंगे ना तो इसके ऊपर क्यू कोड है जिसको आप किसी भी एप्लीकेशन जो आजकल एप्लीकेशन बना देते हैं कोई भी बना देता है और इसको आप ना स्कैन कर लेते हैं और दूसरी इसके ऊपर कोई भी स्टाम्प है तो उसके ऊपर आईडी डी डी होती है आईडी नंबर होता है लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो वाज नज़र आ रहा है ये जो क्यू आर कोड है और आई डी जो स्टाम्प पेपर की है आप अगर किसी भी एप्लीकेशन से चेक करें तो वो आ जाएगा लेकिन ये चीज वेरीफाई नहीं होगी तब ये तक, है या नहीं? हाँ ये ओरिजिनल है है या फेक है, ये फेक तब जाके इसकी होगी या वेरिफिकेशन होगी जब आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की साइट पे जाके इसको चेक नहीं करेंगे या आपका जो क्यूआर कोड है वो स्कैन करके आपको उस पे शिफ्ट ना करें। जी बिल्कुल अच्छा नाजी यहाँ पे मैं बिहाइंड कैमरा भी जो नदीम साहब है इनसे पूछ रहा था की कुछ लोग ऐसा क्यू लिखते हैं जिसकी डिटेल एक निकल आती है उन्होंने कहा कि असल में आप बहुत सी अगर ग्रोसरी स्टोर पर जाएँ तो हर प्रोडक्ट के ऊपर एक जो है उसका क्यू कोड लिखा होता है और उसकी डिटेल उस कंप्यूटर में डाल देते हैं ये जो जाली स्टाम्प रोश हैं ये जाली क्यू आर कोड जिसकी ये एक ख़ुद साख्ता डिटेल रख लेते हैं कि जी फलाम बंदा है फलाम एंडर से बेचा इतने बजे बेचा और इस बंदे को बेचा इसकी अथेंटिकटी या इसका जो है इसकी तस्दीक तब होगी कि जब आप इसका क्यू आर कोड स्कैन करें और वो क्यू आर कोड आपको लेके जाए जो ई e स्टैम्प की औरिजनल वेबसाइट है जिसका एड्रेस है ई एस पंजाब डॉट गवर्मेंट डॉट पी के वहाँ पर जाए और वहाँ पर इसकी तमाम तक डिटेल मौजूद रहा हूँ तब तक ये एक रद्दी का कागज़ है बताएँ जी ये जाली स्टैम्प पेपर और ये रद्दी का कागज़ क्यों हमें तीन तीन चार चार सौ का दे रहे हैं जो कि बाद में किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज भी नहीं हो सकता इसमें जो मेन चीज़ है ना बेजान उसमें यह है कि साइल जो है क्लाइंट है उसके ऊपर भी एक लाइबिलटी इम्पोज़ होती है ठीक है और जिसके साथ एग्रीमेंट किया जा रहा है उसके ऊपर भी लाइबिलिटी इम्पोज़ होती है कि फॉर एग्जांपल एक आप एग्रीमेंट टू सेल करते हैं रेंट एग्रीमेंट करते हैं होता ही है हमारी प्रैक्टिस जो हमारे माशरे में वो ये है कि हम स्टाम्पेपर ले, ले लेते हैं दो तो सौ रुपये का तीन सौ का हज़ार रुपये का ये काफ़ी नहीं होता किसी भी एग्रीमेंट के लिए जब तक उस स्टाम्प पेपर की स्टाम्प ड्यूटी जब आप कंसर्न रजिस्ट्रार के पास सबमिट नहीं करवा देते उसका भी एक चार्ट होता है आ, आ, कंसर्न जो रजिस्ट्रार है उसके पास जाएंगे तो इलाके के हिसाब से प्लॉट है कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसका रेट निकलता है अगर आप सिंपल ये दो का हज़ार का या तीन का आजकल जो नए रेट निकले हैं वो ले लेते हैं और लाखों की प्रॉपर्टी का करोड़ों की प्रॉपर्टी का आप एग्रीमेंट सिर्फ इसके ऊपर तीन हज़ार रुपये कर लेते हैं तो ये नाकाफ़ी है आप यहाँ पे अपनी जो जारी किया जाता है पार्टीज़ के दरमियान एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर तो उनके ऊपर पॉज होता है जब ये स्टाम्प पेपर आप जारी करवाते हैं ना ये काफ़ी नहीं होता इसके बाद जाके आप कंसर्न डिपार्टमेंट या रजिस्ट्रार के पास जाएँ वहाँ पर देखें ये किस इलाके में प्रॉपर्टी है ठीक है और ये कौन सा एग्रीमेंट है ये दोनों चीज़ें देख के आप वहाँ पे अपनी जो स्टाम्प ड्यूटी है उसको एक चार्ट बना होता है उसके मुताबिक वो रेट निकलता है वो सारी जिसमें गेंद टैक्स और सारे बाकी टैक्सेज हैं वो पे करके रजिस्टर होता है ठीक है जब वो रजिस्टर हो जाएगा उसके बाद आपके जो राइट्स हैं हकूक हैं वो

जैसे जालसाजी में एप्लीकेशन बन जाती है मुख्तलिफ डेती है यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी की आप किसी डिग्री किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री क्लेम करते हैं लेकिन वो एक कमरे में बैठ कर वो डिग्री बेची जा रहा है हाँ, हालांकि उसकी उसकी अच्छी बात की डिग्री तब वैलिड होगी जब यूनिवर्सिटी एज इट इज जैसे इसी तरह यही मामला है कि जब आप स्टाम लेने जाते हैं ना तो ये सिंपल कागज है तब तक जब तक इसकी अगर वेरिफिकेशन नहीं ना होती बैंक ऑफ पंजाब की जो साइट है उसके आगे क्लासिफिकेशन उन्होंने दी है स्टाम्प ड्यूटी का है या इसकी वेरिफिकेशन करनी पंद्रह सोलह के करीब जो है ना वो उसकी क्लासिफिकेशन की हुई है पूरा एक प्रोसेस दिया हुआ है जब तक उसकी साइट के ऊपर जाके इसको चेक नहीं करेंगे वेरीफिकेशन ही करेंगे ये एक गैर कानूनी अमल है जाल साजी है रद्दी है बिल्कुल इसकी कोई नहीं अच्छा आ, दीगर मुझे बताएं अभी कुछ भैं कैमरा बात हो रही थी कि और क्या क्या जो है फ्रॉड ये जो ये जाल स्टाम्प्रोश हैं इनकी जानी से किया जाता है बताया जा रहा है कि कुछ तरीके भी रख लेते हैं अगर किसी को गेम डालनी है भाई जान ये जो ई स्टाम पेपर है ना ये अभी सारा सिलसिला जो है ना अभी मतलब अपडेट हुआ है पहले तो वही मैनुअल जो है रजिस्टर में एंट्री करते थे और करके जो ये स्टाम्प वेंडर है वो अपनी एक स्टैम्प लगा के देता है ठीक है रिकॉर्ड रखता है अब जो है ना ये पहले वाला जो सिलसिला पीछे से कंटिन्यू सिलसिला चला आ रहा था अभी कुछ लोगों ने रजिस्ट्रार जो है ना सॉरी जो स्टाम्प वेंडर हैं उन्होंने अपने रजिस्टर में कुछ जगह बचा के रखी होती है कि बैक बैक डेट में बैक इंट्री कर देते हैं, ठीक है, है। अभी पैराल दोनों से जो है ना प्रोसेस चल रहा है इस टाइम वाला भी चल रहा है और मैनुअल भी चल रहा है।, है अभी ये कोई इस तरह का कोई कानून नहीं आया कि वो मैनुअल बंद कर दिया अच्छा जाए अच्छा ये क्या मुमकिन है कि पुरानी तरीक का कोई स्टाम

ये जो 500 वाला है दो हज़ार वाला है या दो सौ वाला है ये आप उसकी कीमत तो दो सौ रुपये ही है लेकिन अगर जब आप पिछली डेट में बैक डेट में जाएंगे तो वो आपको कहेंगे ये एक लाख दे दें दे, दो दे दें दे और उन्होंने अपनी ठीक है।, है अच्छा मैं बताएं जैसे इस स्टाम्प की कीमत सौ रुपये है या पाँच सौ रुपये है तो ये सौ या पाँच सौ गवर्नमेंट को जाएगा जी बिल्कुल इसका ये दूसरे जैसे डिपार्टमेंट होते हैं कि ये आपको जो स्टाम्प है इसकी वक़्त क्या है इसकी कह लेंगे इसकी हैसीयत क्या है जिस तरह गाड़ी है एक्साइज टेक्से, एंड टैक्सेशन है दूसरे इदारे हैं स्कूल हैं अदालतें हैं आप केस करते हैं कोर्ट फीस है वो अदालत में सबमिट करवाते हैं नहीं। नहीं। इसी तरह कोई भी एग्रीमेंट है आप उसको करने जा रहे होते हैं तो रियासत या सरकार कहती है हमें क्या पे कर रहे हैं है। ताकि हम आपके हकूक़ को तहफ़ दें तो इसी तरह ये एक फीस है ठीक है अच्छा अगर ये जाली हो तो मतलब कि वो ये सौ रुपया गवर्नमेंट को भी नहीं भेजा वो खुद ले रहा है बिल्कुल अगर वो जाली बना रहा है के देखे है। ना एक बंदा करोड़ों की प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट करता है और वो अपना इसकी जो बकायदा एक कीमत है वो पे करके लेता है और उसको नहीं पता ये दो नंबर है और जब वो यही एग्रीमेंट लेके एग्जीक्यूशन के लिए अपना हक लेने अदालत में जाएगा दो साल बाद उसको पता चलता है कि यार ये तो जाली है तो क्या हुआ क्लाइंट और जो साहिल है वो तो अफेक्ट हुआ ही उसका नुकसान कितना हो गया वो कितना पे करके वो एग्रीमेंट किया बाद में पता चलता है एग्रीमेंट ये दो नंबर है पाँच साल बाद एक टाइम उसका ज़ाया हुआ एक उसकी जो पैसे हैं वो ज़ाया हुए और जो प्रॉपर्टी लेने गया था उससे भी यादों बैठा ठीक है नाजिन ये तमाम तर गुफ्तु आपने सुनी कि एक तो अगर ये जाली स्टाम्प जो है छापा जाता है तो एक तो गवर्नमेंट को वो फीस नहीं पे की जा रही जिसके ये स्टाम्प इशू हुआ और उसका ना तो कोई रिकॉर्ड है कल को आप जाके ना तो कोर्ट ऑफ लॉ में उसको चैलेंज कर सकते हैं बल्कि हो सकता है आप पे जालसाजी का पर्चा कट जाए दूसरा हमने कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम किया जिसमें दिखाया कि एक ही घर के दो लोगों ने मुख्तफ जो हैं वो स्टैम्प पेपर तैयार किए हुए थे क्योंकि वो कच्ची आबादी का इलाका था वहाँ पर घर की रजिस्ट्री वगैरह या कोई इंतकाल वगैरह नहीं होता था तो वहाँ पर जिसके पास स्टैम्प पेपर है वो उस घर का मालिक है तो वहाँ पर दो ख़वी थी एक के पास असल था ज़ाहरी बात और एक के पास ज़ाहिर बात है जाली था और वो इसी तरह से तैयार किया जाता है कि आप कहीं से भी जाके किसी भी किस्म का स्टैम्प तैयार करवाएँ उसके ऊपर जो मर्ज़ी लिखें और उसके बाद जिस मर्ज़ी के घर पर कब्ज़ा कर लें अब ये आ, नदीम साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी की डिग्री तब वैलिड होती है कि जब यूनिवर्सिटी में आपका तमाम रिकॉर्ड मौजूद हो कि इस बच्चे ने फलाँ साल में इस सेशन में ये पेपर दिए ये उसका रिकॉर्ड था ये उसका रिजल्ट था ये इतनी तादाद में यानी कि छुट्टियाँ की इसने और कितनी क्लासेस अटेंड की तो तमाम तर रिकॉर्ड के बाद जब वो डिग्री देता है तो उसकी बर्थ होती है अगर कोई भी शख्स किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम लिख के डिग्री तैयार कर लेगा तो वो वैलिड नहीं होगी क्योंकि उसके पीछे उसका रिकॉर्ड नहीं है इसी तरह जो स्टैम्प पेपर है वो तब वैलिड होगा जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो वेबसाइट है जो वेरिफिकेशन है वहाँ पे उसका रिकॉर्ड मौजूद होगा वरना ये एक आम रद्दी का कागज़ है किसी को भी कहें कि कंप्यूटर से इसी तरह का परफॉर्मर बना के जितने मर्ज़ी छापी जाए और वो छाप रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है तो ये आज हमने अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम किया कि ई e स्टैम्प लेते हुए हमेशा जो जिसके ऊपर क्यू कोड है जिसके नीचे बाकायदा तौर पर लिखा गया है कि स्कैन फॉर ऑनलाइन वेरीफ़िकेसन उसको स्कैन करें और देखें क्या वाक़त जो पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट है ई एस पंजाब डॉट गवर्नमेंट डॉट पी के वहाँ पर इसका रिकॉर्ड मौजूद है तो ज़रूर लें अगर नहीं है तो साहब से कहें भाई ये स्कैन क्यों नहीं स्कैन करके दिखाएं और ये करते क्या हैं कि इस क्यू आर के इवज़ को एक छोटी सी डिटेल बना देते हैं कि जो इसके ऊपर लिखा है वो वहाँ पे क्यू आर कोड को स्कैन करके डिटेल आ जाती है लेकिन वो तो हर चीज़ की डिटेल आ जाती है आप किसी भी बड़े शॉपिंग मॉल में जाते हैं वहाँ पे किसी भी चीज़ को स्कैन करेंगे तो उसकी कीमत और उसकी नाम डिटेल सब आ जाएगा वेरिफिकेशन यह है कि उसका रिकॉर्ड जो आपके हाथ में स्टैम्प पेपर है उसका रिकॉर्ड पंजाब की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसमें मौजूद होना चाहिए अदरवाइज़ ये एक रद्दी का कागज़ है जो अदालतों के बाहर बैठ के बेचा जा रहा है और ये बता रहे हैं कि किस तरह से लोग मसाइल का शिकार हो जाते हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट हुआ प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट हुआ आपने तीन हज़ार रुपये का स्टैम्प पेपर लिया और आपको दो साल बाद जाके जब आप कब्ज़ा लेने गए या आपने उससे कोई तकादा किया कि भाई आपने ये लिखा था उसने कहा जाए चेक तो करवाएं कि स्टैम्प असली भी है या नकली है और दो साल बाद बजाय कि आप उससे वो तमाम तर चीज़ें हासिल करते जो एग्रीमेंट के ऊपर लिखी गई आप इस चक्कर में फंस जाएंगे कि यार ये बंदा फ्रॉड करने के घर से एक जाली स्टाम्प लेकर अदालत पहुँच गया कोर्ट भी इसमें रिलीफ नहीं देगा क्योंकि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल है ही नहीं तो ये आज का प्रोग्राम था और दरख्वास ये है कि जब भी कोई भी भाई बहन कोई ये लेने जाए तो किसी माहिर कानून से मशवरा ले ले या किसी ऐसे बच्चे को साथ ले जाए जा जो इस मामले को जानता हो तो ये आज का प्रोग्राम था अपनी राय से मैं आगाह कीजिएगा तब तक के लिए अपने मेज़बान अली अम्दा को दीजिए इजाज़त हाफ़िज़